हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3, द दिल्ली सुल्तान्स। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है, और इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। ये वाला ये पूरा पार्ट जो है यहाँ तक हम लोग सारा का सारा देख चुके हैं, और अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो कुवात अल इस्लाम मॉस्क, कुवात अल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद जो है उसमें मीनार है, ठीक है। ये कब हुआ था? 12th सेंचुरी के टाइम पर इसको बनाया गया था। दिल्ली के सुल्तानों ने इसको बनाया था, और डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली कुन्हा। दिल्ली कुन्हा मतलब ओल्ड सिटी में ये पड़ता है, ठीक है। और मॉस्को और ज़्यादा बड़ा कराया गया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और मीनार वॉज बिल्ट बाई 2 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो ये जो है ना, ये वाला कुवात अल इस्लाम, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर फिगर 3 जो है हमारी, इसमें पहले ही देख लेते हैं इसमें मस्जिद क्या होती है। मस्जिद जो है वो अ मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। अरबिक में मॉस्क को मस्जिद कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर मुसलमान अपनी प्रेयर्स देते हैं। और फ्राइडे को मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और उस दिन ये इनका नमाज़ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स शुड फेस मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड किबला। इसका मतलब है मुस्लिम जब अपने नमाज पढ़ते हैं, अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तब वो उनको वेस्ट साइड में देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मक्का की तरफ उन्हें हमेशा देखना होता है, और वेस्ट में इंडिया, अगर इंडिया के हम लोग वेस्ट में देखें, इंडिया के वेस्ट में है मक्का, इसलिए इंडिया में जो मुसलमान हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो वो वेस्ट साइड फेस करते हैं, क्योंकि इंडिया से वेस्ट साइड में मक्का पड़ती है। तो यही है कि इसमें मुसलमान जाके प्रेयर करते हैं, और वही है ईश्वर से, अल्लाह से अपनी दुआएं मांगते हैं। और मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, जिसको नमाज कहते हैं, वो साथ मिल करके वो लोग बैठ के करते हैं। और मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन चूज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर, तो एंड रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर। तो उनका जो लीडर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं, जिसको वो इमाम बोलते हैं। फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, मतलब प्रेयर से पहले जो रिचुअल्स करते हैं ना, कुछ जैसे हिंदुओं में मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, पूजा पाठ वगैरह, उससे उनके भी इस्लाम में भी धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं वो इमाम करते हैं। और वो सर्मन्स मतलब एक तरह से उपदेश भी देते हैं फ्राइडेज के, फ्राइडे की जो प्रेयर होती है उसके टाइम पे। ये हमने देख लिया। अब ये जो है, ये वाला, ये बेगमपुरी मॉस्क है, बेगमपुरी मस्जिद है, जो मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी, और वॉज मेन मॉस्क ऑफ जहाँपनाह, ठीक है। जहाँपनाह का सबसे, जहाँपनाह जो नाम था जगह का, उसका सबसे बड़ा ये मॉस्क है। अब दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, उन्होंने काफ़ी सारी मस्जिदें बनवाई इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे हमारे देश में हर शहर में काफ़ी सारी मस्जिदें बनवाई गई। इससे उनको ये दिखाते थे कि वो इस्लाम के और मुसलमानों के प्रोटेक्टर्स हैं, उनके किसके, इस्लाम धर्म के और मुसलमानों के वो रखवाले हैं। मॉस्क हेल्प करती थी क्रिएट करने में अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, कि मतलब इस धर्म को मानने वाले इतने लोग हैं, ये भी मस्जिद जो दिखाती थी। मोट की मस्जिद जो है वो कब बनाई गई थी? वॉज बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। मोट की मस्जिद किसने बनवाई है? मोट की मस्जिद बनवाई है सिकंदर लोधी ने। और कि ये मुसलमान, ये जो बिलीवर्स हैं सारे के सारे, मस्जिद में जाकर के सब एक लोग बैठ कर के साथ में प्रेयर करेंगे, और एक बैकग्राउंड के हैं, और उनमें एक तरह से भाईचारा बढ़ेगा, इसलिए बनवाई जाती थी। अब आगे है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो इससे पहले हम लोगों ने चाहमांस के बारे में और बाकी जो रूलर्स थे उनके बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं खिलजीज के बारे में और तुगलक्स के बारे में। तो कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है साथ में रखना अच्छे से किंगडम को। इतना बड़ा साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी थी, उसको संभाले रखने के लिए अच्छे राजा, अच्छे नेता होना, एक तरह से राजा कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, कि अच्छे देखभाल, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्स एज गवर्नर्स, अर्ली दिल्ली सल्तनत्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बांधगन इन पर्शियन, ठीक है। क्या होता था ना, ये लोग अपने मतलब भाई भतीजों को, या फिर अमीर लोगों को, या फिर गवर्नर्स, ठीक है, चीफ्टन्स वगैरह, जो ऊंचे पद के लोग होते थे ना, उन पे राजा वगैरह भरोसा नहीं करते थे, जो स्टार्टिंग के दिल्ली सुल्तान थे, जैसे कि इल्तुतमिश। वो
इसमें क्या होता था ना, इस्लाम में ना पहले जैसे कि जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था गल्फ़ वाले रीजन से, वहाँ पे ना स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। मतलब लोग पकड़ के लाए जाते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, उन्हें मुसलमान बनाते थे, फिर उसके बाद ना उनको बेचा जाता था। तो इसी तरीके के जो स्लेव्स खरीदते थे ना, उनको इल्तुतमिश ने काफ़ी हाई पोस्ट दी गवर्नर, जो उनके मतलब एबिलिटी देखते थे कि कौन सबसे ज़्यादा एबल है उन स्लेव्स में से, और उन स्लेव्स पे बहुत ज़्यादा ये जो होते थे महाराजा वगैरह, ये इल्तुतमिश जैसे ये काफ़ी ज़्यादा दिल्ली सुल्तनत के जो सुल्तान थे काफ़ी विश्वास करते थे इन स्लेव्स पे, और इनको गवर्नर टाइप का बना करके भेज दिया जाता था अलग अलग इलाकों में। और पर्शियन में इन स्लेव्स को बांधगन बोलते हैं। देवर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी अच्छे से होती थी ताकि काफ़ी सही तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकें। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने मास्टर पे मतलब अपने राजा पे डिपेंड करते थे, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाय अपन देम, तो अपने सुल्तान पे वो पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे। सुल्तान ही सब कुछ था उनका, उनका कोई परिवार कोई कुछ तो था नहीं, इसलिए सुल्तान भी उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता था। स्लेव्स रादर देन सन, द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड अ स्लेव हुम वन हैज़ बॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। तो ये लोग क्या करते थे ना, बचपन में ही बच्चों को पकड़ के गुनाह बना लेते थे, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद उनको काफ़ी ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर भी पहुँचा दिया जाता था। तो सुल्तान्स को एडवाइस दी जाती थी कि इनका ध्यान रखें इन स्लेव्स का, और क्योंकि जो स्लेव है जो एक आपने अच्छे से उसको पाला है उसको सिखाया है, तो वो आपका आपके बेटे से भी ज़्यादा आपका साथ देगा, ये बात कही जाती थी पहले। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगान एंड ऑल्सो रेज पीपल टू हम्बल बर्थ। तो खलजीज हो गए, तुगलक्स हो गए, ये बंदगानी गुलाम वाला सिस्टम, और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दे के अच्छी पोस्ट देना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर चालू रखा। हम्बल बर्थ का मतलब है काफ़ी मतलब गरीब गरीब लोगों को भी इन्होंने स्लेव बना करके काफ़ी ऊंची पोजीशंस पे पहुंचा दिया। हु वर अफंदियर क्लाइंट्स, उनके एक तरीके से क्लाइंट्स होते थे। क्लाइंट्स का मतलब है समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, मतलब उन पे जो डिपेंड करता था उनके बच्चों को स्लेव बना करके काफ़ी ऊँची पोजिशन पर कई बार पहुँचा देते थे। टू हाई पोलिटिकल पोजिशन, दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब इन लोगों ने उस स्लेव को जो है सिखा दिया सब कुछ और एक राज्य का गवर्नर बना दिया। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि जो स्लेव्स होते थे ना, ये सिर्फ अपने जो इनके सुल्तान होते थे उनके लिए ही लॉयल होते थे, उनके लिए ही वफ़ादार होते थे। जो सुल्तान का बेटा या सुल्तान के बच्चे होते थे ना, उनके प्रति ये स्लेव्स वफ़ादार नहीं होते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स, मतलब सुल्तान के बच्चों के प्रति ये वफ़ादार नहीं होते थे स्लेव्स। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, न्यू सुल्तान अपने नए सर्वेंट्स नए स्लेव लेकर के आता था। एज अ रिजल्ट द सेसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। तो जब नया सुल्तान आता था ना, तो नोबिलिटी मतलब जो ऊँचे पोजिशन के लोग होते थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टसल चलती थी। टसल का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी दिक्कतों के बाद लड़ाइयों झगड़ों के बाद एक सुल्तान अपनी गद्दी संभाल पाता था। ठीक है, ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट एंड द ओल्ड एंड द न्यू न्यू एंड द ओल्ड नोबिलिटी के बीच में, मतलब ऊँचे पद के लोगों के बीच में, क्योंकि पहला सुल्तान जो था वो अपने वफादार लोगों को रखेगा, नया सुल्तान पुरानों को हटा देता था और अपने नए लोग रख लेता था, तो इस तरीके से दिक्कतें आती थी। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द डेली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी अलीट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तुआरीख क्रिटिसाइज द डेली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। तो काफ़ी सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी कि इतने अमीर अमीर घर के बच्चों को तो ये लोग गवर्नर्स वगैरह रख नहीं रहे, और ये खराब खराब से जो इतने गरीब लोग हैं और इनको सिखा दिखा के और इतनी बड़ी पोस्ट में रख देते हैं कि, तो पर्शियन तुआरीख में भी लिखा गया था कि दिल्ली सुल्तान ये चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने अपॉइंट किया था अजीज़ खुमर को अ वाइस डिस्टिलर, ठीक है, फिरोज हज़म अ बाबर, मनका तब्बक अ कुक एंड टू गार्डनर्स लाधा एंड पारा जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो देखिए, वाइन डिस्टलर मतलब शराब डालने वाला जो होता था, और एक जो बाल काटने वाला, और उनका जो बावर्ची था माली था, इनको काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने बिठा दिया था। जियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो बिरानी ने क्यों क्रिटिसाइज़ किया सुल्तान को, क्योंकि बिरानी
ऐसा समझता था कि सुल्तान को जो बड़े घर के लोग हैं उनको ही अपॉइंट करना चाहिए, और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल राजा भी बोलते हैं, तो इसने क्या किया था, इसने तो अपने सारे जो नौकर थे उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया था। आगे देखिए, लाइक द अर्लियर सुल्तान्स खिलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। तो पुराने सुल्तान्स की तरह ही खिलजी और तुगलक जो थे उन्होंने भी काफ़ी सारे मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बना दिया था, जो मिलिट्री में कमांड करते थे, मिलिट्री के जो हेड होते थे उनको काफ़ी सारे इलाकों का गवर्नर। देखिए गवर्नर का मतलब ना हेड होता था, जैसे समझ लीजिए हमारा जो देश है पूरा, ठीक है, हमारा सपोज करिए हमारा देश है ऐसी करके, सॉरी क्या बनाऊँ, मतलब आप ये समझ लीजिए चकोर में बना दिया है। सबसे हमारा देश जो दिल्ली है वो कैपिटल है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी दिल्ली में चलती है और बाकी राज्यों में भी चलती है ना, बट हर राज्य का अपना एक चीफ मिनिस्टर भी तो होता है ना। इसी तरीके से सेंटर में किसकी चलती है, प्राइम मिनिस्टर की, वो होता था हमारा ये जो नवाब, सॉरी किंग मान लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे जो बादशाह वगैरह होते थे, और बाकी जो गवर्नर होते थे ना आप समझ लीजिए वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के बराबर होते थे। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, कई बार मिलिट्री कमांडर्स को भी जो इनकी लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे ना उनको भी चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर बना दिया करते थे अलग अलग टेरिटरीज का। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार्स और मुक्ति। तो इस तरीके के लैंड जो होते थे जिसको मिलिट्री कमांडर को दे देते थे, इस तरीके के लैंड को इक्ता बोला जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्तास क्या होते थे, जो लैंड मिलिट्री कमांडर्स को दे दिए जाते थे, वेरी साइज अलग अलग होता था, तो इस तरीके के लैंड को इक्ता कहते थे। एंड देयर होल्डर, और इनको जो हक था जिसका, यानी कि मिलिट्री कमांडर्स वगैरह, उनको इक्तादार, इक्तादार या फिर क्या कहते थे, मुक्ति कहा जाता था। ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। तो जो मुक्ति होते थे या फिर इक्तादार होते थे उनका काम होता था कि राजा के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ेगा और अपने इलाके में वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था सही तरीके से मेंटेन करके रखेगा। ये इक्तास का, इक्तेदार का या फिर मुक्ति का काम होता था। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस देते थे राजा को, राजा की लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो जो लैंड उसको दिया जाता था ना मुक्ति को, वो उस पे से कर इकट्ठा करता था और वही उसकी जो है सैलरी होती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यू, और अपने सोल्जर्स को जो सैलरी थी वो भी, जो टैक्स वगैरह वो इकट्ठा करते थे, रिवेन्यू इकट्ठा करते थे, उससे उनका मिल जाती थी, सैलरी भी दे देते थे वो। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ देवर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड। कंट्रोल जो था मुक्तीज पे, कंट्रोल सबसे ज़्यादा अच्छा था जब वो इनहेरिटेबल नहीं होता था, मतलब मुक्ति का बेटा मुक्ति नहीं बनेगा, और इक्तास जो है बहुत ही कम टाइम के लिए मुक्ति को दिए जाते थे, तो वो अच्छे से काम करता था। हेयर दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। तो ये जो होता था ना कि मुक्ति को थोड़े थोड़े टाइम के लिए छोटे छोटे इक्ता दे दिए, फिर हटा दिया उसको, फिर दे दिए, फिर हटा दिया, उसके बेटे को इस पर कोई हक नहीं मिलेगा, तो ये काम जो है ज़्यादातर किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और मोहम्मद तुगलक ने किया था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाई द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाई द मुक्तीज। अब अकाउंटेंट ऐसा थोड़ी ना कि राजा ध्यान ही नहीं रखेगा कि मुक्तीज क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, कम बता रहे। अकाउंटेंट रखे हुए थे सेंटर ने कि भाई देखो, जैसे कि क्या होता है इंडिया में कंट्रोल एंड ऑर्डर चल रहा है कि भाई काम चल क्या रहा है स्टेट्स में, है ना, तो इस तरीके से अकाउंटेंट्स रखे गए थे ये देखने के लिए कि जो इक्तास वगैरह हैं उसमें मुक्ति ज़्यादा टैक्स कलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हमें कम तो नहीं बता रहे हैं। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और ये भी ध्यान रखा जाता था कि वही टैक्स कलेक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मुक्ति जो कहा गया है स्टेट में है, और नंबर ऑफ सोल्जर्स जितने कहे हैं उतने इसने रखे भी हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सुल्तान जैसे कि खलजी और तुगलक, इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को क्या दे दिया, अलग अलग साइज के इक्ता दे दिए, तो उनको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाने लगा। इक्तादार और मुक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते थे, उनके बेटे को इसका हक नहीं होता था उसको इक्ता दे दिए तो बेटे का भी हक है। इक्तेदार क्या करते थे, मिलिट्री भी रखते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसमें से उनकी सैलरी भी निकल जाती थी और सोल्जर्स की भी सैलरी निकल जाती थी, और ये ध्यान रखा जाता था। एक
जो सेंटर है, सेंटर से इक्तदार पे एक क्या वो भी भेज दिया जाता था अकाउंटेंट, ताकि ये ध्यान रखे कि भाई कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। एज द दिल्ली सुल्तान्स बॉट द हिंडरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड चीफटन्स, द सामंत एरिस्टोक्रैट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि दिल्ली सुल्तान्स पहले तो सिर्फ शहरों के इलाकों में आए, फिर धीरे धीरे वो हिंडरलैंड गाँव तक में भी पहुँच गए। तो गाँव वाले इलाके में जो सामंत होते थे, सामंत या फिर काफ़ी बड़े बड़े रिच लोग या फिर बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनसे कहते थे कि भाई तुम हमारी अथॉरिटी को स्वीकार करो, हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। अंडर अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे द स्टेट बॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। तो जब खलजी का टाइम था तो इन लोगों ने क्या किया कि कलेक्शन कितना हो रहा है रेवेन्यू का, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और उसका पूरा असेसमेंट होगा कि कितना कलेक्ट हो रहा है, कितना कहाँ यूज़ हो रहा है, पूरा अच्छे से उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। द राइट्स ऑफ लोकल चीफटन्स, लोकल चीफटन्स मतलब वही लोकल अमीर लोग टाइप के समझ लीजिए, टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड देवर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स। जो लोकल चीफ थे ना, जो लोकल हेड होते थे इलाकों के, उनके वो कर इकट्ठा किया करते थे, तो उसके इस हकों का इकट्ठा करने के हक को उसको कैंसिल कर दिया और उनसे ही कर लिया जाने लगा। सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड कैप्ट केयरफुल अकाउंट। तो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, वो नापते थे लैंड को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नापना ब्रिटिशर्स ने शुरू करा है, मतलब लैंड मेजरमेंट ब्रिटिशर्स ने शुरू करी है, तो भाई देखिए नहीं, ब्रिटिशर्स तो कितनी बाद में आए हैं, ये तो 12th century में ही लैंड को नापना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स measured the land and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. तो ये लैंड नापते थे, तो ओल्ड chieftains जो होते थे, मतलब उसी इलाके के लोग, कई बार सुल्तान की हेल्प भी करते थे। देखिए सुल्तान तो राजा है, ठीक है, सुल्तान हो गया राजा, और सल्तनत, सल्तनत का मतलब हो गया राज्य, राजा का राज्य सल्तनत हो गया, ठीक है। सल्तनत में जो टैक्स कलेक्ट करने का काम और उसको ध्यान में रखने का काम भी ये जो ओल्ड चीफटन्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ओल्ड चीफटन्स का मतलब है पहले इलाके के जो अमीर लोग, जो पहले हेड हुआ करते थे, उनसे ये लोग काम करवाते थे सुल्तान्स वगैरह। देयर वर तीन तरीके के टैक्स होते थे, कल्टीवेशन कॉल्ड खरज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस। खरज, ठीक है, खरज जो है वो कल्टीवेशन, जो उगा रहे हो 50% तो भैया टैक्स में दे दो, ठीक है, खरज होता था 50% टैक्स, ठीक है। दूसरा तरीके का टैक्स होता था कैटल पर, कैटल मतलब जो जानवर पाल रहे हो उस पर भी टैक्स दोगे, और तीसरा होता था जो तुम्हारा घर है तुम उस पर भी टैक्स दोगे, तो जो उपज रहा है तुम्हारा, मतलब प्रोडक्शन, लैंड पे जो प्रोडक्शन हो रही है उसका टैक्स, फिर कैटल जानवर का टैक्स, फिर उसके बाद जो आपका घर है उस पर भी टैक्स दोगे। It is important to remember that large part of subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan. मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट जो था ना कॉन्टिनेंट का, हमारे देश का काफ़ी सारा बड़ा पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट जो दिल्ली सुल्तानत थी ना उसके कंट्रोल के बाहर था, ठीक है। It was difficult to control distant provinces, खूब दूर दूर के जो इलाके होते थे उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, मतलब सदर्न इंडिया को इन्होंने कब्जे में तो ले लिया, बट जैसे ही कब्जे में लिया थोड़े टाइम बाद वो खुद आज़ाद हो गया, क्योंकि इतनी दूर से कंट्रोल करना मुश्किल था। इवन इन द गंगाटिक प्लेन, गंगाटिक प्लेन मतलब नॉर्थ इंडिया, देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, मतलब जंगलों के इलाके थे, दैट सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट, इतने बड़े बड़े जंगल थे कि सल्तनत की फोर्सेज जो हैं वो उसमें घुसी नहीं पाती थी। लोकल चीफटन्स एस्टैब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन, लोकल चीफटन्स मतलब जो लोकल किंग्स, लोकल हेड टाइप के हो जाते थे ना, वो इस पे अंदर के इलाकों पर रूल किया करते थे। समटाइम्स रूलर जैसे कि अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो कुछ कई बार थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल वगैरह कर लिया जाता था, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो कंट्रोल अपना नहीं रख पाते थे। अब आता है चीफटन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन, बड़े बड़े लोग और उनके बड़े बड़े किले। तो इबन बतूता जो थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इबन बतूता एक 14th century के ट्रैवलर थे, 14th century में ये आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, और उन्होंने चीफटन्स के बारे में बताया था। चीफटन्स पर तो बड़े बड़े लोग, उन्होंने ये बताया इबन बतूता ने कि उन्होंने अपने किले टाइप के बनवा रखे हैं पहाड़ों पे, जो कि काफ़ी रॉकी से हैं, अनइवन से हैं, जाना काफ़ी मुश्किल है। प्लेसेस एज वेल एज बैम्बू ग्रोव्स, बैम्बू के मतलब एक तरीके से जंगल टाइप के लगा रखे हैं। इंडिया में जो बम्बू है वो हॉलो होता है,
मतलब इंडिया में जो बम्बू है वो काफ़ी हॉलो मतलब बिल्कुल खाली नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। सेवरल पार्ट्स जो है ना उनको इंटरट्वाइंग करके मिला करके इवन फायर कैन नॉट इफेक्ट देम, मतलब इस तरीके से बना दिया जाता है बेम्बू को कि आग भी उस पर असर नहीं डाल सकती है। दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रांग, मतलब पूरी बात कहें तो बेम्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। द चीफ्टन्स लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पेंट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। ठीक है, ऐसे इलाकों में रहते हैं चीफ्टन्स, ठीक है, कि रहने की जगह देते हैं उनके कैटल्स के लिए भी, अपनी क्रॉप्स भी वहाँ पर उगा लेते हैं, जानवर भी पालते हैं और फसल भी उगा लेते हैं। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, और वहीं पर उनके लिए पानी भी मिल जाता है। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, मतलब तालाबों वालाबों में बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मीज हु एंटरिंग दीज फॉरेस्ट कट डाउन द बेम्बूज विच स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये बताते हैं कि चीफ्टन्स जो थे, काफ़ी सारे चीफ्टन्स जो है बेम्बू से अपनी पूरी ज़िंदगी चला लेते थे, बेम्बू के फोर्ट बना देते थे, बेम्बू को बेम्बू के मतलब कैटल पाल लेते थे जो बेम्बू खाई जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें बेम्बू से बना लेते थे, पानी भी उनको वहीं पर मिल जाता था आराम से, तो पूरे जंगल में रहने के लिए सारी सुविधाएं उन्हें मिल जाती थी, कोई आर्मी उनको नहीं हरा सकती जब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। तो बेम्बू के बारे में काफ़ी कुछ बताया है इबन बतूता ने। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट था, इसे देख लिया हमने। द मंगोल्स अंडर गेंगीज खान इन्वेडेड टेक्सोनिया ट्रांस एक्सोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। तो गेंगीज खान, मंगोल्स जो थे ना गेंगीज खान, उन्होंने ईरान को इन्वेड कर दिया था 1219 में। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर, और दिल्ली सुल्तान को डर लग रहा था कि जो है मंगोल्स भी इंडिया में आ जाएंगे। मंगोल्स अटैक्ट ऑन द दिल्ली सुल्तान इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। तो जो मंगोल्स का डर था ना, वो मंगोल्स जो है ना वो इंडिया पे भी अटैक करना चाह रहे थे, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोक करके रखा, तभी मंगोल्स जो है वो इंडिया नहीं पहुँच पाए। दिस फोर्स्ड टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों को ना काफ़ी बड़ी आर्मी रखनी पड़ी, और आर्मी पर ज़्यादा खर्चा होता था, तो काफ़ी चैलेंज भी इन लोगों को झेलना पड़ा था। तो इन सुल्तान्स को हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। तो ये देखिए अलाउद्दीन खलजी, दिल्ली जो है अटैक किया गया था दिल्ली पर दो बार, 1299 1300 में और फिर 1302 में। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बड़ी आर्मी बना ली थी। ठीक है, फिर अब इसका देखें, सल्तनत जो है उस पर अटैक किया गया मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग के सालों में ही। मंगोल आर्मी जो थी ना, वो तुगलक ने हरा दिया मंगोल आर्मी को। ठीक है, तुगलक जो कॉन्फिडेंट था कि अपनी आर्मी उसकी काफ़ी स्ट्रांग है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और उसके पास प्लान भी है, और इसलिए उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी बनाई थी, मतलब दोनों ने ही काफ़ी बड़ी आर्मी बनाई थी मंगोल के अटैक से बचने के लिए। अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्ट किया था न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी, गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे आराम से फौजी वगैरह रह सकते थे, एक नया ही टाउन बना लिया था लड़ने के लिए, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था सीरी, दिल्ली के पास, अब तो दिल्ली में ही है। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज दिल्ली अकूना वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिजंट देयर, द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल दौलताबाद इन द साउथ। तो इन्होंने क्या किया था मोहम्मद तुगलक ने, खिलजी ने तो एक नई सिटी बना दी, गैरिसन टाउन बना दिया सीरी, बट इसने खिलजी ने क्या, तुगलक ने क्या किया, इन्होंने दिल्ली अकूना, पुरानी दिल्ली वाला एरिया था, उसको खाली करवाया और वहाँ पे सोल्जर्स को रख दिया, और जो दिल्ली के इस इलाके में लोग रहते थे उनको दौलताबाद भेज दिया जो कि साउथ में था। दौलताबाद एक नई कैपिटल बनाई थी तुगलक ने, साउथ वाले में चल नहीं पाया था। तो अब आता है खलजी का, सोल्जर्स हैड टू बी फेट, मतलब सोल्जर्स को खाना भी खिलाना पड़ेगा, इसलिए क्या हुआ, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन गंगा यमुना, टैक्स वॉज फिक्स 50% ऑफ द पीजेंट डील। अब खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो फसल को टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, और 50% फसल ले ली जाती थी। प्रोड्यूस फ्रॉम सम सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। ठीक है, जिस इलाके में रहते थे उसी इलाके में से आर्मी में से ले लेते थे, मतलब जिस इलाके में आर्मी रह रही है उसी इलाके से टैक्स ले लेते थे, मगर यहाँ पर कहाँ से, गंगा जमुना वाले इलाके में फसल बहुत होती है, तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा टैक्स मिल जाता होगा, और ये उसी इलाके से लेते थे जहाँ पर आर्मी रह रही है। बट टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स सुल्तान लेवीड एडिशनल टैक्सेस, दिस कोइंसाइडेड विद द फेमिन इन द एरिया, मतलब अब इन्होंने
आर्मी बहुत बड़ी कर ली थी तो उनको टैक्स ज़्यादा लेना पड़ा, इसकी वजह से क्या हो गया, भुखमरी सी फैल गई थी इस इलाके में। फिर आगे आता है द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अब सोल्जर्स को खाना भी खिलाना पड़ेगा, सोल्जर को पैसा भी देना पड़ेगा, तो अलाउद्दीन ने चूज़ किया कि अपने सोल्जर्स को सैलरी में कैश की बजाय वो सैलरीज इन कैश रादर देन इकताज, तो इकता नहीं दिए, मतलब पहले के क्या करते थे ये जो नवाब या फिर सुल्तान होते थे ये लैंड दे देते थे कि इसमें से तुम ले लो, बट इसने क्या किया अलाउद्दीन खलजी ने, इसने कहा कि हम तुम्हें कैश में पैसे देंगे हम तुम्हें, तो सोल्जर्स जो है अपने सप्लाइज़ वगैरह खरीद सकते थे जो भी उन्हें चाहिए होता था पैसे से दिल्ली से, और इट वॉज दस फियर दैट मर्चेंट्स वुड राइट द प्राइस, अब क्योंकि सोल्जर्स के पास पैसा है वो खरीद सकते हैं, तो ये डर बन गया कि जो मर्चेंट्स हैं वो पैसे ना बढ़ा दें चीज़ों के, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्राइजेस जो है ना बता दिए गए कि ये चीज़ इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगी। प्राइजेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था, मतलब अगर कि एक कुछ एक स्टोरी है कि आधा किलो या फिर आधा किलो या कुछ ग्राम जो है कम तोल के दिया या फिर महंगा दिया, तो उस मर्चेंट को पकड़ के लेकर के आए उस जो व्यापारी जो बेच रहा था, और कहा गया, खलजी ने कह दिया इसका आधा किलो मांस निकाल लो इसके शरीर से, इतना बुरा पनिशमेंट दिया जाता, तो लोग डर गए थे, इसलिए कोई भी ओवर प्राइस पे मतलब ज़्यादा महंगा करके नहीं बेचता था चीज़ों को। अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, और क्रॉनिकलर्स लोग इसको प्रेस करते थे कि काफ़ी सस्ते प्राइस थे और मार्केट में जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से काम चलता था, और मंगोल इन्वेजन से भी इसने बचा लिया था। अब तुगलक को कहते हैं, तुगलक भी जो है अपने जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी कैश में देता था, बट जो है प्राइस नहीं कंट्रोल कर पाया, उसने टोकन करेंसी बना दी, ठीक है, समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, बट उस टाइम जो है बट मेड आउट ऑफ सस्ती सी मेटल के, गोल्ड से नहीं, तो लोगों ने क्या किया उस करेंसी की कॉपी बनानी शुरू कर दी। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद अ टोकन करेंसी, दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफीटेड इजली, मतलब क्या करने लगे, इन्होंने एक सस्ती करेंसी बना दी कि चलो कॉपर के कॉइन्स हम लोग बेच रहे हैं, कॉपर के कॉइन्स जो हैं हम करेंसी की तरह एक तरह से पैसे की तरह मान लेंगे, बट लोगों ने क्या किया खुद के कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, और काउंटरफीट का ये मतलब होता है, और ये क्या जो सरकार को टैक्स देना होता था ना, सरकार क्या जो नवाब को टैक्स देना होता था पहले सोने चांदी में देना होता था, अभी कॉपर में या फिर एक सस्ती मेटल में टैक्स देना शुरू कर दिया, तो ये भी फेल सा हो गया था। मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी काफ़ी बड़ी फेलियर थे, इनका जो कश्मीर की तरफ कैंपेन था वो डिज़ास्टर था, बहुत बुरी हालत हुई थी। ही देन गिव अप हिज प्लान टू इन्वेट ट्रांसजोनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, फिर वो कश्मीर में हार गया तो ट्रांसजोनिया के लिए उसने जो बड़ी सी आर्मी बनाई थी उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। मीनवाइल उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर दी, लोगों को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, लोगों ने मना कर दिया कि इतनी दूर हम लोग नहीं जाएंगे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, भुखमरी फैल गई थी, गंगा यमुना बेल्ट में बहुत ज़्यादा रिबेलियन हो गया था, और टोकन करेंसी को भी वापस बुला लिया गया क्योंकि टोकन करेंसी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। तो आपके क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपका आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में आप बताइए, या फिर मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में बताइए, ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में। अगर आप लोग कहेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अभी देखिए इस लिस्ट में मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, बट हम ये भूल जाते हैं कि पहला एक वो राजा था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, मतलब बिल्कुल इसने प्लान बनाया था कि ट्रांसएक्सोनिया को हम कैप्चर कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कि हम अपना बचाव करेंगे, और तुगलक ने क्या कहा हम अटैक करेंगे, ठीक है। तुगलक के मेजर्स जो है ना वर कंसीव्ड एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स, मतलब ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेंसिव थे जो तुगलक के थे वो ऑफेंसिव थे, और खलजी के डिफेंसिव थे। ऑफेंसिव मतलब हम अटैक करेंगे, डिफेंसिव मतलब हम बचाव करेंगे। अब द सल्तनत इन द 15th and 16th century, 15th और 16th century के टाइम पे सल्तनत कैसी थी, तो यू विल नोटिस दैट अगर हम मैप टेबल देखेंगे कि तुगलक, सैयद, लोदी, इन सब के बाद दिल्ली और आगरा में काफ़ी सारी ये सारी डायनेस्टीज चलती रही 1926 तक। उसके बाद बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड, मतलब क्या था कि
ये दिल्ली आगरा वगैरह वाले रीजन पे तो कब्जा था दिल्ली सुल्तान का, बट बाकी जो बंगाल राजस्थान गुजरात साउथ वगैरह इसमें अलग अलग रूलर्स चलते थे और काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पेर भी कर रहे थे. जैसे कि दिस ऑल्सो द पीरियड वेयर द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स. अफगान एंड राजपूत भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे. सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल. काफ़ी जो इस पीरियड में स्टेट्स बनी वो स्मॉल थी बट काफ़ी पावरफुल थी और काफ़ी अच्छे से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता था. जैसे कि शेरशाह सूरी जो सिर्फ 5 साल राज करा, स्टार्टेड हिज करियर एज मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी. छोटा सा टेरिटरी का उसका मैनेजर था, अपने अंकल जो थे उनके लिए बिहार में, और इवेंचुअली उसने मुगल्स को हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था. किसने? सूरी ने, शेरशाह सूर को हरा दिया था. सॉरी, शेरशाह सूर ने हरा दिया था मुगल एम्पायर हुमायूं को, मतलब शेरशाह सूर ने हुमायूं को हरा दिया था और शेरशाह सूर ने दिल्ली कैप्चर कर लिया था. ठीक है. Although Sur dynasty ruled only for 15 years, it introduced administration that borrowed elements from Khalji and made them more efficient. तो भले ही इसने सिर्फ 15 साल राज किया पूरे इलाके में, मगर शेरशाह सूर ने काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर के आए, जो कि खलजी लेकर के आया था उनको बहुत अच्छे से उसने और आगे बढ़ाया शेरशाह सूर ने. शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. तो खलजी ने जो, जैसे कि खलजी हो गया और तुगलक वगैरह हो गया, इन सब से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने ले ली और शेरशाह सूरी ने, और फिर अकबर ने शेरशाह सूरी के काफ़ी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जो अच्छे थे उनको इन्होंने ले लिया था. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है ये 31 मिनट्स का. तो थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, बड़ी मेहनत लगी है बनाने में. और अगर आप लोग कहेंगे, वैसे तो मैं पूरी बुक कंप्लीट करूँगी, क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट ही हैं, तो पूरी बुक भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी. थैंक यू.